अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उसामा आरजे और आप देख सकते हैं कि मेरा एक दोस्त ऊपर घर शक्ल उत्ते घर है, ये देख सकते हैं उत्ते घर, ये देखें इसने तो मारे जो सा ना बस उत्ते घर शक्ल है। देखे जी ये मेरे प्यारे भट्ट साहब भी माशाल्लाह मौजूद है मौके पे। भट्ट जी तेरा अपना ओटेशन ला के वाजला इंजन लाते होंगे। हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको देख कर, चलो आप ये देखें और भी यहाँ पे खड़ा हुआ और सुना भाई की हाल रहा दी है। हाँ भाई की हाल है, अटेंड लगता ताजी ताजी कराई है मुंडे ने, इधर आ ना है ये देखे जी आप टिंड देख सकते हैं और सुना की हाल है। ठीक है, आपने देखा इसकी भी टिंड फ्रेश थी। और बंदा दिखाते हैं ये देख सकते हैं आप, ये देखें। हेलो की हाल है दोस्ता, की हाल है। उम्मीद करता हूँ आपको देख के चल उत्ते घर मुंह अपना। हम आपको लिए चलते हैं इनकी बेकरी में जो इन्होंने शॉप बनाई हुई है, उधर लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे आपको जाकर दिखाते हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है। ये देखें आप, ये देखें जी, ये देख सकते हैं आप इनकी टक शॉप। इधर हर चीज़ मिलेगी, इसके पीछे दुनिया पागल है। ठीक है, इसके पीछे पागल है दुनिया, इसके पीछे पागल है, ये किसी को नहीं मिल रहा, लेकिन जिसने खाना है वो यहाँ से आगे खा सकता है, उसे ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। इसे कहते हैं चीटोज लाल है, एक ऐ कर दिए लाल जुबान आई समझ। ओ आप ये देख सकते हैं मेरा दोस्त, यार दोस्त ठीक है, तू तो मेरे नाल ना ही रहना है। और जी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको देख अच्छा लगा होगा। हम अब आपको जो ना दिखाते हैं, एक यहाँ पे काफी बड़ी आके गाड़ी रुकी है, उसका व्यू दिखाते हैं। ये देखें ये देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गजब बेइज्जती है, अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं जी हमने तीन बार सलाम लेकर हमें जवाब मिल गया। कैसे हैं साहब, ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आपको ये भी सिस्टम देख के अच्छा लगा होगा। ये देखे जी हमारा कमांडो भी मौके पे मौजूद है। ऐसे हो ठीक हो, और भाईजान ये आप चलाते हैं इतनी बड़ी गाड़ी? आपने देखा ये भाई हैं, ये भाई हैं जो इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, है ना? किधर से किधर से किधर तक चलाते हैं आपको? ये देखे इतनी बड़ी गाड़ी है, ये देखे जरा, ये देखे इतनी बड़ी गाड़ी है यार। ये किधर से किधर तक चलाते हैं आप? ऊपर लिखा हुआ है, आपको सामने से दिखाते हैं। ये देखें जिनने बावलपुर जाना है ना, वो इस गड्डी नू राह च डक लवे, इस गड्डी ते बैठ जाए बावलपुर तक। ये अगले और दोस्त कैसे हो, तुम कुछ कहना चाहोगे? ये कुछ भी नहीं कहना चाहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन, हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलो दोस्तों हम आपको लिए चलते हैं एक और जगह, ये देखें जरा, वो देखें, ओए होए होए बड़ा गौर से देख रहा है, बड़ी गौर से देख रहा है यार ये बंदा। अरे कहना क्या चाहते हो? ये देखे जी आप देख सकते हैं बाघ, बाघ बसंती बाघ, बाघ बसंती बाघ, ना ना नाचना, ना नाचना बसंती, ना नाचना। आपने ये देखा, अल्लाह माफ करे, बड़ा दर्दनाक सीन था यहाँ पे। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसने नई दुकान शुरू की है मेरे दोस्त भट्टी ने। तो मिलते हैं थोड़ा आगे जाके, ठीक है? हाँ तो दोस्तों हम मौजूद हैं स्नोकर में, क्योंकि ये मेरी बड़ी फेवरेट गेम है, हम कभी कभी आते हैं टाइम पास करने, और इसने मेरे दो दोस्त खेल रहे हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये भट्टी साहब माशाल्लाह खेल रहे हैं, मेरा प्यारा भाई। और इधर हम आपको लिए चलते हैं अपने प्यारे भट्ट की तरफ, ये देखें। हाँ जी भट्ट जी कैसे हैं आप? देख सकते हैं मेरे दोस्तों का 85-85 का मुकाबला चल रहा है। आप ये देखें भट्ट की तरह शॉट देखें, ये देख सकते हैं अब नहीं गई हैं जी। तो अब जो सारा देखते हैं इसके बाद कौन जीतता है, क्या मामला होते हैं इनके, जो जीतेगा या जो हारेगा, जो हारेगा हारेगा उसको रोटी भी पड़ी हुई है नहीं। इसीलिए वो बंदा परेशान है, कश्मकश का मुकाबला है। तो दुआ करें कि मेरा दोस्त भट्टी जीत जाए। हां भट्टी साहब इधर देखें, दुआ करें। क्योंकि पहले एक भट्टी को पढ़ चुकी है गेम, बताते हैं जो जीतेगा या जो हारेगा इन दोनों में से। मैं तो जीत चुका हूँ, मैं तो बाहर हो चुका हूँ, और इन दोनों में से जो जीतेगा फिर आपको बताएंगे, जो हारेगा देखते हैं फिर वो क्या खिलाता है, क्योंकि रोटी तो पड़ी हुई है। हां जी ये देखें इसका कैसा मुंह बना हुआ है, क्योंकि रोटी का मामला है, ये देखें इसका भी कैसा मुंह बना हुआ है।
हाँ जी बाट जी, ये देखें इसका मुंह देखें, उसका मुंह देखें, इनके मुंह ऐसे बने हुए हैं बहुत बुरे, क्योंकि रोटी का मामला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 85-85 का मुकाबला अभी तक जारी है, तो इसके बाद देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है, क्योंकि हारने वाले का मुंह रूसी कुत्ती की तरह होगा। इसका मुंह देख सकते हैं आप और इसका भी मुंह देखें, आपने इन दोनों का मुंह देखा, इन दोनों में से जो हारेगा उसका मुंह रूसी कुत्ती की तरह होगा, क्योंकि यहाँ पे कश्मकश का मुकाबला चल रहा है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। क्यों दोस्तों, ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं इधर काफी मामला जो सा ना डिस्टर्ब हुए हुए हैं बंदे के, ये देखें। इसके बाद आपको बताएंगे कौन हारता है कौन जीतता है। हारने वाले का दिल जीतने वाले से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें हार का दुख बर्दाश्त करना होता है। इसके बाद हम आपको जो होता है ना अपने जो हारे का उसका मुंह दिखाएंगे, क्योंकि बहुत कश्मकश का मुकाबला है। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आपको बताते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है और मुंह जरूर दिखाएंगे उसका। अब ये देख सकते हैं जी, इस टाइम जो है ना पट्टी साहब को 6 नंबर बनना है, पट्टी साहब का मुंह खुशगवार हो चुका है। अब ये देख सकते हैं और भट्ट साहब का मुंह देखें हो गया, और ये पट्टी का मुंह देखें खुशगवार हो गया ये, आय हाय हाय, एक पीस पका के अपने आप को ना मातर ना समझ है पट्टी। दूसरी भी जा रही है जी, लेकिन ओए होए होए भट्ट साहब का मुंह इस टाइम बहुत जो है ना खराब हो चुका है। फाइनल शॉट जा रही है आपको दिखा सकते हैं। अब ये देखे जी, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आप पट्टी का क्या हालात होते हैं। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल कर दें, बस वायरल कर दें। आप ये देखें मेरे यार को, हाँ जी यार जी, दोस्त जी, दौड़ ला गए हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो अभी मुकाबला हुआ बहुत टफ मुकाबला हुआ, आपको ये मुकाबला देख के अच्छा लगा होगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। माशाल्लाह हमें बड़ा मज़ा आया खेल के, है ना भट्ट साहब? ये देखें जी पट्टी साहब को 500 रुपये की गेम टूटी है। उम्मीद करता हूँ आपको मिलके हमारे अच्छा लगा होगा और एंजॉय करो ना भट्ट जी, जी कर दें। मजा आया भट्टी साहब, मजा आया बहुत ज्यादा मजा आया मेरे दोस्त को, बहुत ज्यादा मजा आया मजेदार। जरा बोले जी बहुत मजा आया भट्टी साहब, कैसे कहते हैं मजेदार, बोले मजेदार, बहुत मजा आएगा। दोस्तों मिलते हैं अब अगले मुकाम पे जाके। तो हमें एक जो सा ना कराची का बच्चा मिला है, वो बच्चा बड़ा शियार है, देखे तरह उसकी हरकार के वो क्या कर रहा है। चल दोस्त दिखा, क्या किधर से हो तुम? कराची से। बच्चा थोड़ा हिला हुआ है लेकिन ये देखा। दोस्त मिलते हैं अगले मुकाम पे जाके। हाँ तो दोस्तों वो पट्टी ने कुछ हमें खिलाया नहीं है, हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी और अब हमने सोचा कि हमने 20 रुपये की मूँगफली ले लें। बट उधर में कितने की लेनी है? 20 रुपये की। इसमें से हमें इसने कितने की देनी है? कितने की देनी है और कितने की देनी है भाई सानू? 20 रुपये की। भट्ट जी कितने की? 20 रुपये की। तो हमने 20 रुपये की मूँगफली ले लिया, आप ये देख सकते हैं 20 रुपये की मूँगफली। आपको ये मूँगफली दिखाते हैं, ये देखें पूरे 20 रुपये की मूँगफली जनाब, ये 20 रुपये की मूँगफली है, 20 रुपये की, लेकिन कमाल है, हमने एक दिखाई भी अंदर से, आप भी लें, आपको भी मज़ा आएगा खा के। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी वीडियोस आपको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके तक लाते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में।